आज मिलेगा T20 विश्व कप 2022 का पहला फाइनलिस्ट। क्या वो होगा पाकिस्तान या फिर वो होगा न्यूजीलैंड। नमस्कार, मैं हूँ सुनीता और आप देख रहे हैं NDTV स्पोर्ट्स। T20 विश्व कप 2022 अब लगभग अपने अंतिम चरण में है। टूर्नामेंट का पहला फाइनलिस्ट आज मिल जाएगा क्योंकि टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला है। दोनों ही टीम्स के बीच ज़बरदस्त टक्कर हमें देखने को मिलने वाली है। लेकिन इस मुकाबले से पहले एक दिलचस्प आंकड़ा हम आपको बता देते हैं। हालांकि ये आंकड़ा है तो अब से 15 साल पुराना, लेकिन पाकिस्तान के लिए लकी साबित हो सकता है क्योंकि इस बार पाकिस्तान की किस्मत उन पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। आपको बता दें कि अब से ठीक 15 साल पहले जब साल 2007 में T20 विश्व कप का पहला एडिशन आयोजित हुआ था तो उस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल भी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच ही खेला गया था और उस मुकाबले में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराते हुए पाकिस्तान ने सेमीफाइनल मुकाबला जीता था और फाइनल में जगह बनाई थी। ऐसे में पाकिस्तान उस चीज़ की एडवांटेज यहाँ पर ले सकता है। लेकिन इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है और अपने ग्रुप में टेबल टॉप रहते हुए ग्रुप राउंड को फिनिश किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम जो है वो दूसरी टीमों की हार पर इस टूर्नामेंट में डिपेंड रही है। शुरुआती मैचों की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को पहले मैच में भारत ने हराया, उसके बाद जिम्बाब्वे ने उन्हें हराते हुए सबको चौंका दिया, उसके बाद लगातार 3 मुकाबले पाकिस्तान ने जीते। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला पाकिस्तान को दक्षिण अफ्रीका की हार का, जो कि आखिरी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को नीदरलैंड्स के हाथों मिली और आखिरी मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया। इस तरह से पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में 3 मुकाबले जीते और 2 में उसे हार मिली। 6 पॉइंट्स के साथ भारत के बाद दूसरे स्थान पर रहते हुए उसने ग्रुप राउंड को फिनिश किया और सेमीफाइनल में जगह बना ली। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम ने 5 मुकाबले सुपर 12 राउंड में खेले, जिसमें से 3 में उसे जीत मिली, 1 मुकाबले में हार मिली और 1 बारिश की वजह से धुल गया। इसी तरह से दोनों टीम्स का इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन रहा है। दोनों ही टीम्स के एक्स फैक्टर की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से शादाब खान उनके एक्स फैक्टर रह सकते हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस विश्व कप में अब तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं। ऐसे में ये दोनों खिलाड़ी भी आज न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया सुपर 12 राउंड का पहला मुकाबला तो आप सभी को याद ही होगा, जिसमें फिन एलन ने ज़बरदस्त पारी खेली थी और न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ज़बरदस्त जीत दर्ज की थी। इस तरह से न्यूजीलैंड के कप्तान, इसके बाद केन विलियमसन भी फॉर्म में नज़र आए, उन्होंने भी अच्छी पारी खेली। तो ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वो न्यूजीलैंड के लिए इस मुकाबले में एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में दोनों ही टीम्स के एक्स फैक्टर कौन रहेंगे? आप ही अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। खैर, ये मुकाबला आज दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी में ये मुकाबला खेला जाना है। आपको क्या लगता है, आपके प्रेडिक्शंस क्या है, आज के मुकाबले में किस टीम की जीत होगी? वैसे क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी पहले से कहा नहीं जा सकता, लेकिन आंकड़े भी कई बार कुछ कहानी बयां कर सकते हैं। अभी अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम स्पोर्ट्स अपडेट्स के लिए आप NDTV स्पोर्ट्स के साथ बने रहें।